दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम है विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सुपर कॉप की वाइंस यूट्यूब चैनल दी। हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है निर्भया के केस पर। जी हाँ, निर्भया के केस पे क्या सुनवाई वगैरह हुई थी और क्या बातचीत हुई थी, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ और कुछ बातें करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले बात करूंगा ये निर्भया के केस के बारे में। जी हाँ, निर्भया के केस के बारे में ये बात करूंगा। जो चार आरोपी थे, जी हाँ चार आरोपी थे, क्या उन्हें फांसी मिल गई? जी हाँ, बात करने वाला हूँ क्या चार आरोपियों को फांसी मिल गई। जी हाँ, फांसी आज 5:30 बजे मिलेगी उन चार आरोपियों को। ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, हेडलाइन है, क्योंकि जो कि करीब आज से 23 से 25 साल पहले केस जो चलता था, वो अब जाके फैसला उसका हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया। बहुत बड़ी न्यूज़ है। जी हाँ, अभी तक देख सकते हैं ट्रेंडिंग में इसकी सारी न्यूज़ निर्भया केस की मिल जाएंगी। आज तक एबीपी न्यूज़ और भी सारे रिपोर्टर्स और लाइव न्यूज़ से आप जानकारी पा सकते हैं पूरे वीडियो की, पूरे मेथड की। तो और दूसरी बात ये कहूँगा कि कोरोना वायरस को लेके बहुत सारी चर्चा चल रही है मीडिया में, टिकटॉक पर और भी सारी सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रही है। बड़े बड़े एक्टर से लेके सेलिब्रिटी से लेके और भी काफ़ी सब लोग नागरिक में, ऑडियंस में, जितना सब मतलब पूरा मिलजुल के देखा जाए, तो अगर आप लोग सपोर्ट करें और आप लोग एक होकर कोशिश करें इस वायरस को जल्द से जल्द। एक बार 22 तारीख को मोदी जी का कहना था कल कि 22 तारीख को शाम 7 से कुछ एक वो उन्होंने एक स्कीम निकाली है तो कर्फ्यू लगाएंगे। तो 22 तारीख को जो भी उनका समर्थन है उनका, तो वो हम लोग उनसे सहयोग करें और भी काफ़ी सब मदद करें, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। जी हाँ, जानता हूँ सरप्राइज़। हाँ, सरप्राइज़ क्या है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। हो सकता हो कल मैं दे दूँ या हो सकता है परसों मैं दे दूँ, तो जल्दी मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।